इख़वान मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के तर्जमान ने कहा है कि गुटरेस मकबूज़ फलस्तीनी इलाके में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान से सख्त परेशान है। इख़वान मुत्तहिदा के सरबराह के नायब तर्जमान फरहान हक ने एक बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल दहशत गर्दी की कार्रवाइयों समेत शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और ये कि कशीदगी में कमी और तसादुम को रोकने की फौरी ज़रूरत है। बयान के मुताबिक इसराइल को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तामील करनी चाहिए, जिसमें ताकत का मुतनासिब इस्तेमाल और शहरियों को फौजी कार्रवाइयों से दूर रखने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ एक बामैने सियासी अमल की तरफ वापसी और कब्जे के खात्मे से ही तशद्दुद और इंसानी जानों के ज़िया के इस तबाहकुन सिलसिले का खात्मा होगा।